Hello guys, I'm finally back. Today we will do Urdu. So let's do. As you know, this also have a very strict rules. So let's read it. अखलाक व किरदार को बेहतर बनाने के लिए इम्तहान के साथ साथ क्लास टेस्ट में भी कुछ नंबर रखे जाएंगे। हर क्लास टेस्ट में एक नंबर अखलाक किरदारी और एक नंबर क्लास वर्क कॉपी का मुकम्मल काम लिखाई सफाई और कॉपी पर शफाफ कोर का होना का होगा। नंबर 3, क्लास वर्क और अखलाकियात के नंबर मिड टर्म इम्तहान और सालाना इम्तहान में भी शामिल किए जाएंगे। मुद्दा या तस्वीर बनाने का कॉपी के सफात बढ़ाने के बिल्कुल इजाज़त नहीं है। नंबर 5, हफ्ता वार टेस्ट के लिए टेस्ट कॉपी लाना लाजिम है वरना नंबर नहीं दिए जाएंगे। नंबर 6, इम्तहान और क्लास टेस्ट में कुछ हिस्सा मश्क से सीन और कुछ हिस्सा मश्क के अलावा अनसीन मुतालका सबक से लिया जाएगा। फोटोकॉपी 8। नाउ वी विल राइट इट। वी विल डू रीडिंग आफ्टर राइटिंग इस होल थिंग। Okay, so I'll think. Okay, so write this. So this thing I write. So you also write. I will complete this whole, inshallah, tomorrow. Only alfaz jumle karne hain aur tashri aur ek aur sawal kar lete hain. Kar karenge, theek hai? Okay. Allah Hafiz. और हाँ, रीडिंग तो करनी बाकी है। सो लेट्स रीड इट। हंत, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है, दिखाई भी जो ना दे नज़र भी जो आ रहा है वही खुदा है। तलाश उसको ना कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है वही खुदा है। नज़र भी रखे समाते भी वो जान लेता है, नियतें भी जो खाना लाशऊर में जगमगा रहा है वही खुदा है। किसी को ताजे वकार बख्शे, किसी को जिल्लत के गास बख्शे, जो सबके माथों पे मेहरे कुदरत लगा रहा है वही खुदा है। सफ़ीद इसका साया, इसका नफ्स नफ्स है गुआ इसका, जो शेले जान जला रहा है वही खुदा है। गाइस, दिस यू विल डू इन योर ग्रामर कॉपी। यू नो दैट उर्दू हैव टू कॉपीज, ए एंड बी, राइट? सो बी जो होती है वो ग्रामर की होती है और ए जो होती है वो इस काम की तरह की होती है। तो इसलिए आपने ये जो है ना अपनी ग्रामर कॉपी में लिखना है। और ये आपने इसम आपको पता है मोनस और मुज़क्कर के बारे में। हाँ, मोनस जो होता है ना, और मुज़क्कर क्या होता है? मोनस और मुज़क्कर में ये होता है कि मोनस गर्ल के लिए इस्तेमाल हुआ जाता है जिसको हम लड़की कहते हैं, और मुज़क्कर बॉय के लिए इस्तेमाल होता है जिसको हम लड़का बोलते हैं। और इसी तरह हमें एक जुमला दिया जाएगा जो कि मुज़क्कर होगा और हमें उसे मोनस में तब्दील करना है, यानी चेंज करना है, ठीक है? जो कि मोनस का मतलब होता है गर्ल, लड़की, जिसे हम उर्दू में लड़की प्रोनाउंस करते हैं, और मुज़क्कर हम बॉय को कहते हैं जो कि हम
उर्दू में प्रोनाउंस लड़का करते हैं। तो इसी तरह सेंटेंसेस हैं, हमें इसमें मोनस में तब्दील करने, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे वालिद मुझे रोज़ाना पढ़ाते हैं। अब आपने क्या करना है, ये वालिद को वालिदा में चेंज कर देना है, पढ़ाती हैं पढ़ाती हैं, ठीक है। और इसी तरह मेरे बहन ने बोर्ड में और अव्वल पोजीशन ली, आप इसमें बहन लिखेंगे, बहन बहन यानी सिस्टर में अव्वल पोजीशन हासिल की। मेरे उस्ताद मेरे हौसला अफजाई करते हैं, हम उस्ताद जो है उस्तानी लिखते हैं हम, और यहाँ पर हम चेंज करेंगे कर दी। और इसी तरह ये बच्चे शौक से स्कूल जाते हैं, बच्चियाँ स्कूल से बच्चियाँ शौक से स्कूल जाती हैं, अरे यार जाती हैं, ठीक है जाती हैं। ओ सॉरी यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे था, ये स्कूल जाती हैं। तो माली ने पौधों को पानी दिया, तो माली जो होगा ना मालन में चेंज हो जाएगा, जो सिंपल सी बात है यही है। और बवरचन बावरचन ने खाना पकाया, धोबी ने कपड़े धोए, हम इसको धोबन में चेंज करते हैं, सिंपल सी बात है, ऐसा लिखते हैं दो यार इधर भी गलतियाँ, दो पर इस तरह लिखेंगे। बच्चियाँ इधर लिखा हुआ है पहले से। और आपको पता है अभी जो हमने ये रीड किया ना, ये उसके ना फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह पूर करें। इसके अंदर हमने वैसे लिखना है जैसे लिखा हुआ है, तो ठीक है अल्लाह हाफिज़। देखते हो कुछ तो नहीं है ना इसका, हाँ नहीं है, बाकी सारा चैप्टर ठीक है, चलो फिर अल्लाह हाफिज़।